बड़े चूतिया लोग हैं, इन्हें कोई बात समझ में नहीं आती। एक घंटे से कुत्तों की तरह दौड़ा रहे, जैसे हमने इनको कोई गलत बात बोल दी हो। बाल बाल बच गए, पर इस तरह कौन पीछा करता है। पर तू टेंशन मत ले भाई, मैंने उन्हें कॉल करके बोल दिया कि हम यहाँ नीचे पे हैं। कॉल करके बोल दिया तूने? अरे चूतिया, भाई ये क्या मजाक है? तुम्हें हमारी कदर करनी चाहिए, इस तरह कैसे कर सकता तू हमारे साथ? अबे तुझसे ज्यादा नॉलेज तो हमारे पास है। अबे तुम्हारे टैलेंट की कोई कदर नहीं है, अपने टैलेंट को डालो पिछवाड़े में और निकलो सालो यहाँ से। भाई बदतमीज है। रुक भाई, इसकी गांड मैं तोड़ता हूँ। अबे हेलो, अरे भाई एक छोटी सी गलती के लिए इतना नहीं मार दिया यार, आ जा तू तो। क्या तुझे क्या हुआ? अबे भाई इन सालों ने अंदर मेरा ही सुअर भर दिया और पीछे वाले गेट से फेंक दिया सालों ने। भाई इतना कौन मारता है साला, कमरा की लाइट बंद करके कहाँ कहाँ मारा पता नहीं सकता भाई। अबे तो जब कार में नहीं था कूदा तो काहे कूदा? कोई बात नहीं, चल तेरे को एड्रेस दिलाता हूँ। कोई हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। हर बार भाई धक्का देके बाहर निकाल देते हैं। हाँ यार, हमें कोई कुछ समझता भी नहीं है, कुत्तों से हालत हो रखी है। टैलेंट कितना है, इज्जत मच्छर की झाड़ जितनी नहीं है। तुम्हारी समस्या का एक ही समाधान है, अगर तुमने वो कर लिया तो लोग तुम्हारी इज्जत भी करेंगे और तुम्हारी बात भी ध्यान से सुनेंगे। अच्छा ये बताओ ये कितने हैं? कर समझ रखा, बैठ जा चुपचाप जाटू। हाँ तो फिर समाधान क्या है इसका? समाधान है कि पैसा। पैसा? हाँ पैसा। ठीक है तो लाओ, दो थाली वाली तो नहीं है, फिर चूते जैसी बातें क्यों करा? दे तो दिया तुमको समाधान। समाधान की बजाय बत्ती और दूसरे अपनी गांड में। मुझे समाधान नहीं पैसे चाहिए। बोलते ऐसा रहे जैसे किसी दादाजी ने मरने से पहले वसीयत रखी हो मेरे पास। अरे आप जिस चोमू चूते को छोड़ो और मुझे बताओ। चोमू चूते किसे बोल रहा है तू? अरे तुझे बोल रहा हूँ, तेरे मुंह पे बोल रहा हूँ। लगता है किसी इंसानी जानवर की हत्या आज मेरे हाथों की। चल देख ही लेते कौन किस करते हो तू। बेटा मेरे दोनों जैसी तुम्हारी हरकत है ना, तुम लोगों का कुछ नहीं हो सकता। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर तुम्हें लाइफ में कुछ करना है ना तो सबसे पहले पैसा बनाओ, समझ रहे हो? मैं समझ गया, लेकिन पैसा बनाने का सामान कहाँ मिलेगा? ये तुझे मिलेंगे पुराने बस स्टैंड की गली नंबर 4 में अकीम नुस्खे की दुकान पे। अभी जाता हूँ। अरे सुनता हूँ, कहाँ ये पर्ची तो ले जाए, इसमें सब लिखा है क्या क्या लाना है। अबे है कौन ये? सुअर है, जाहिल है क्या तू? ये सारा रेगिस्तान में नाव डूबा जैसा आदमी है। आप तो ये बताओ पैसे कैसे बनाने हैं? तुम सबसे पहले बाहर निकलो और देखो लोग किस तरह पैसा बना रहे हैं। आज के टाइम में चाय वाला भी चाय से अच्छा खासा पैसा बना लेता है। क्या चाहिए सर? भाई आप चाय से पैसे बना लेते हो? आप बना लेता हूँ सर। ठीक है तो बना के दिखाओ। चाय पियोगे? लेंगे। ये डाला पानी, ये डाला एक चम्मच चाय की, ये डाला चीनी एक चम्मच, फिर डाला दूध की एक चम्मच। एक चम्मच दूध है? अरे ऐसे ही बनती है चाय। आप बैठो उधर। अबे भाई कुछ तो डाल दे इसमें। भाई ये बचाने की होती है, इसमें कुछ डालने का नहीं होता है। इस तरह बनते हैं पैसे। भाई पैसे कहाँ बने? पहले भैया पी तो लो। 50 रुपए हो गए इसके। अबे इस चाय की 50 रुपए?
भाई चाय के हिसाब से 10 रुपए हो रहे, 40 रुपए एक्स्ट्रा किस बात के? 10 रुपए चाय के और 40 रुपए सिखाने के। तो चाय का तो पता नहीं, चूतिया बड़ा अच्छा बनाया तूने। तू क्या कर रहा? चल अबे भाई 25 रुपए की चाय है। अबे छोड़ 25 रुपए की चाय। यार भाई चाय से तो पैसा बनेगा नहीं हमसे। 5 रुपए की चाय में क्या ही होगा? 5 की नहीं 50 की। तुम भी तुम ना पहले पूरी बात सुना करो, उसके बाद कुछ किया करो। तुम हो कि पहले कुछ करते हो उसके बाद सुनते हो? ये सब छोड़ो, आप हमें ऐसा काम बताओ जो सुबह करे शाम को पैसे मिल जाए। ऐसा तो बहुत आसानी से मिल जाएगा। ऐसा कौन सा काम है? मजदूरी। लेकिन ये इतनी आसान नहीं हो। काम पूरा चाहिए मेरे को आज के आज। अभी करके देता हूँ, जल्दी जा। अब तुम कौन ना? वो हमें पैसों की जरूरत है, हम काम ढूंढते हैं। तुम्हें देख के लगता नहीं तुम काम कर पाओगे। अरे आप बस काम बताइए, हम सब कर लेंगे। 150 रुपए देगा? ठीक है। चलो तो सारा सामान उठा के यहाँ पे रखो, सामने से हटा दो पूरा सामान। ये हाँ ये वाला पूरा हटा दो। काम हम कर रहे, मुझे ठेकेदार आराम से बैठा है, इसे किस बात के पैसे मिलते हैं? चलो। अरे ठेकेदार जी आप काम क्यों नहीं कर रहे, आपको किस बात के पैसे मिलते हैं? मैं ठेकेदार हूँ, मेरे को काम देखने के पैसे मिलते हैं, करने के नहीं। बहुत बढ़िया, फिर एक काम करो, आप जाके काम करो और हम देखते हैं। अच्छा चल आजा काम करते। ये देखो बाहर का रास्ता, काम देखेंगे। ये निकले आज यार। भाई एक बात तो है, मजदूरी हमारे बस की बात तो नहीं है। तुम भी अगर मेरी पूरी बात सुनी हो इतना तो आज पिछवाड़े पे लात ना पड़ती तुम्हारे। इस बार भाई पूरी बात सुनेंगे उसके बाद ही कुछ करेंगे, चाय तो अपन से बनेगी नहीं और ना ही मजदूरी। इसके अलावा कुछ हो तो वो बताओ। अरे पैसे कमाने के तो हजारों तरीके हैं, बस तुम्हें पता होना चाहिए क्या करना है और कैसे करना है। कमाने को तुम पढ़ाई करके सरकारी जॉब लग के पैसे कमा सकते हो। क्या चुटकी पे चुटकी बजा रहा है? ओए चुटकियों कोई नहीं बजाएगा, चुटकी सिर्फ मेरी है। मेरे काले छोटे भीम वो उस चुटकी की नहीं, इस चुटकी की बात कर रहा हूँ। ये ठीक है। और तू पढ़ाई करना इतना आसान भी नहीं है, तुम सालों तो घिस घिस के पढ़ाई करोगे उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है तुमको जॉब मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम इतना चूतिया है, क्योंकि ऊपर बैठा हुआ कोई दल्ला एक चंद पैसों के लिए तुम्हारी सीट को दूसरे को बेच देगा और तुम्हारा पढ़ाई में लगा पैसा और टाइम सब बर्बाद। और इसके बाद कहीं तुम मजदूरी भी नहीं कर पाओगे। क्यों? क्या फायदा जब इतनी पढ़ाई करने का जब मजदूरी करनी थी। इसलिए तुम सरकारी नौकरी तो भूल जाओ। अरे तो फिर करे क्या, तुम दल्ले बन जाओ। क्या? मेरा मतलब ब्रोकर। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें 0 इन्वेस्टमेंट में 100% प्रॉफिट है। बस तुम्हें 2 बंदे ढूंढने पड़ेंगे, एक जिसको जमीन बेचनी है एक जिसको खरीदनी है, उनके आपस में डील करा दो और उनके बीच में अपना प्रॉफिट बना लो। लेकिन मंदबुद्धि, चूतिया, बड़वे, इन सारे शब्दों का इस्तेमाल इन्हीं लोगों के लिए होता है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इनके पिछवाड़े पे फिर से लात पड़ने वाली है। बस भाई एक बंदा मिल जाए जिसे जमीन बेचनी हो, फिर अपना काम सेट है। पैसा होगा पैसा। सुन भाई ये लग भी रहा है, पूछे क्या इसे? कौन है गरीब? हाँ मुझे नहीं लगता, फिर भी चलो ट्राई कर ले। कॉन्फिडेंस दल्ले लगने चाहिए। अरे भाई दल्ले नहीं, दलाल भूसड़ी के। हाँ। अबे भाई जमीन बेचोगे अब? हम खरीद लेंगे। अबे साले अपने लिए चड्डी तो खरीद ले, जमीन बाद में खरीदियो। अबे भाई इसे कैसे पता मेरी चड्डी फटी हुई है? भाई ये बात तो मुझे भी नहीं पता। अब एक काम कर, बेचने वाला छोड़, खरीदने वाला ढूंढते हैं। और हाँ लोकेशन अच्छी होनी चाहिए, ठीक है? मुबारक हो सर, आपको भगवान ने याद कर लिया। अरे सर इसका कहने का मतलब है भगवान ने आपकी सुन ली और हमें आपके पास भेज दिया। भाई तुम कौन हो? डल्ले। अरे सर इसका कहने का मतलब हम बेरोजगार है और हम लेने और देने का काम करते हैं। अरे सर जमीन की बात कर रहा हूँ मैं। एक नंबर कंडीशन है। और कंडीशन नहीं होती, लोकेशन होती है। एक नंबर लोकेशन है, आप देखोगे ना आप खुद बोलोगे। बिल्कुल इसी तरह आपका थूकने का मन नहीं करेगा, इतनी प्यारी जगह है। अरे सर आपको वहाँ पर बिजली, पानी, पहाड़ सब कुछ मिलेगा। मैंने हाईवे के पास है जस्ट रोड पर ही। वहाँ पर आप कुछ भी बना सकते हो,
होटल हॉस्टल हॉस्पिटल या फिर आप कोटा बना लो। और सर वहाँ पे रेट भी ज्यादा नहीं है, आप तो कल आकर जमीन देख लो। ठीक है सर, फिर कल मिलते हैं। ठीक है तो मिलते हैं कल। ए सर यही है, ये सामने नहीं है। अरे भाई क्या बात है, हमारे पास भी भाई पैसा होगा, बकरा हलाल होने के लिए आ चुका है, जल्दी से हलाल करते हैं। क्या बात है सर, आप हमसे पहले तो कैसी लगी लोकेशन? तो तुम भी इसी की बात कर रहे थे। हम भी इसी की बात कर रहे थे, मतलब और कौन है ये रे? अबे ये हट, अभी इनकी बातों में मत रहना, या आपको भेज देंगे और आपकी गाड़ी भेज देंगे, पता भी नहीं चलेगा। हट सर, उन्हें छोड़ो, आप मेरी बात सुनो, आप बच्चा का डिस्काउंट भी देंगे हम। आप पूरे 5 करोड़ की बात हुई थी, पर आप हमें 4,99,99,999 4,50,00,000 अभी साइन करो। 4 करोड़ में आप साइन करो अभी के अभी। 3 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़, 50,00,000, 10,00,000, 10,000, 10 रुपए, 1 रुपया। भाई हट, मुझे करने दी ये डील। श्री भाई वट भाई पार्टी गोपे आ गई। 3++ कर, 3++ कियन भाई की गांड। अबे ओ जमीन पे डिस्काउंट है, मेरी गांड पे डिस्काउंट थोड़ी ना। 3++ कियन और हम दोनों की गांड। अबे तो दलाल नहीं, गंडी जरूर बना के छोड़ेगा, निकल यहां से। अबे ओ मालिक से तो पूछ लो जमीन बेचेगा या नहीं। अरे भाई वो मेरी चाची के दोनों हाथ नहीं है ना, हाँ तो उसने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता, तो मैं तो जा रहा हूँ, तू देख रही है अपने हिसाब से। अच्छा भाई वो देखो चंद्रयान। अबे कोई ऐसा काम बता जिसे हम आसानी से कर सके। गला छोड़ बैठ। है एक ऐसा काम जिसे तुम आसानी से कर सकते हो। ऐसा कौन सा काम है बताओ? बाबा बन जाओ। हैं? किसका बाबा बन जाओ? अरे सभी का बन जाओ, बाबागिरी में बहुत पैसा है। करना क्या पड़ेगा? अरे कुछ नहीं, लोगों को पकड़ के उसका भविष्य बता दो। अबे हमें हमारे भविष्य का नहीं पता, लोगों के क्या बताएंगे। तुम इतने चूतिया लोग हो, तुम्हें सोने का कटोरा भी दे दूं ना मैं तो भी उसमें बता के तुम भीख ही मांगोगे। करना क्या है कि हर आदमी कुछ ना कुछ तकलीफ होती है, तकलीफ को सुनना और दो चार टोट के बताना और पैसे ले लेना, सिंपल। बजाना चल घोड़ी बन, मेरे को नहीं चुटके। भाई काम कर, तू बन बाबा और मैं पकड़ के लाता हूँ भक्त। भाई मुझे तो कुछ आता ही नहीं। अरे तो करना ही क्या है, जिसे मैं पकड़ के लाऊं उसे कोई टोटका बता देना, काम बन जाएगा। लेकिन भाई, अरे तू तू तैयार हो जा, मैं लाता हूं। अरे भाई क्या हुआ इसे? नहीं है कि एक्सीडेंट हो गया। तो कहां लेके जा रहे हो? हॉस्पिटल लेके जा रहा हूं। अरे हॉस्पिटल में नहीं, कुछ नहीं है, बाबा के पास लेके चलो। अबे भूत तोड़ी ना चढ़ा, एक्सीडेंट हुआ है। अरे बहुत पहुंचे बाबा, अभी पहुंचा देंगे, मैं मेरा मतलब है अभी ठीक कर देंगे इसे। चल बे जल्दी चल। निकल बाहर निकल। अरे बाबा एक्सीडेंट हुआ। अबे दिखता है मुझे बहुत से, पता है ठीक हो जाएगा, एक नींबू ले, दो लोन घुसेड़ दे और इसके पिछवाड़े में निचोड़ दे, क्या ठीक हो जाएगा। अरे इसका कहने का मतलब है जो पीछे गली है इनके उसमें नींबू निचोड़ दे, और कुछ नहीं है। कल हम अंदर से पहले ये देखना बाकी रह गया था। अबे तुम्हारे टोटके के चक्कर में तो सुधार गया। नहीं 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 नहीं, तुम ये बात गलत बोल रहे हो, इसकी शक्ल से लग रहा है ये नरक गया होगा। भाई मुझे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है कि कहीं जूते पड़ने वाले हैं। इस बार तो बतेरा पैसा कमा लिया होगा। हाँ बहुत सारा पैसा बोल रहा है, बल के एक बोली तेरे लिए भी है। अच्छा एक काम ढंग का नहीं बता तुमने, सारे चूतिए। अबे कोई ऐसा काम बता जिसे करके आसानी से पैसा बना सके, ऐसे चूतिए जैसे काम मत बता। मेरी बात सुनो, तुम किसी काम के लायक नहीं हो, तुम एक काम करो तुम लुटेरे बन जाओ। उसमें क्या करना है? उसमें क्या करना है, गन लेनी है और किस जाके किसी चूते के ऊपर तान देनी है और बोलना माल निकाल। बड़े जल्दी मान गए,
अरे हम चल तो रहे हैं लेकिन हमारे पास तो पिस्तौल ही नहीं है। गन मेरे पास है ना। अच्छा तेरे पास है क्या? तो मेरी बात ध्यान से सुन, उसके पास बहुत पैसे होंगे, इतनी देर से ज्ञान दे रहा है, क्यों ना मुझसे को लूट लेते हैं। हाँ पिस्तौल निकाल। अबे साले तेरी बंदूक ने तो तेरी गांड लूट ली। तेरे को दुआ दिलाता हूँ मैं, चला भी नहीं जा रहा तेरे से। तेरे पास गन थोड़ी ना। नहीं भाई। चलो अच्छा है, हमसे होगा भी नहीं। तूने जितने काम बताए सारे के सारे फेल हो गए। वो सब छोड़, तू ये बता तू क्या करता है और तू कैसे पैसे कमाता है। मैं कहाँ कमाता हूँ पैसे? फिर तू करता क्या? कुछ नहीं, ज्ञान देता हूँ। मतलब इतने दिनों सिर्फ तो हमें ज्ञान दे रहा है? पूरी जिंदगी में हमारी इतने पिछवाड़े पे लात नहीं पड़ी जितनी पिछले 5 दिन में पड़ गई। पिछवाड़ा भी तो ये है तुम्हारा,